तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल में एडवांस चीजों और ट्रिकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एडवांस सेक्शन का बेसिक पार्ट है, जिसमें हम हर जो टॉपिक को बेसिक टू एडवांस सीखते हैं, और पेस्ट स्पेशल में हम ऑपरेशन और बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और बस क्लास आप लोगों की शुरू हो रही है कुछ सेकेंड्स में। और जो लोग YouTube पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पूरी की पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में अगर मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरा मोबाइल नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमने यहाँ बात की थी कि लाराफेल क्लास में कि हमने 20 यहाँ लिखता हूँ और 30 यहाँ लिखता हूँ। तो नॉर्मली अगर हम 20 को कॉपी करके अगर 30 में पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस हो जाता है। लेकिन इसी में अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के ऑपरेशन में जाता हूँ, और इसके ऑपरेशन में मैंने अगर ऐड क्लिक कर दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर 50 हो जाएगा, दोनों के बीच से मल्टीप्लाई होगा और एडिशन होगा और रिजल्ट ऐड हो जाएगा। बट इसका बेनिफिट क्या है? तो इसके बेनिफिट के लिए हम बात करते हैं, एक छोटा सा डेटा आपके सामने बनाते हैं। मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, इस तरह का सेल्स का, एक मिनट पूजा पूजा, और यहाँ सेल्स का मेरे पास डेटा है, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट दे दिया मैंने कि प्रोडक्ट 1, 2, 3, इस तरह से हमने प्रोडक्ट दे दिया। एंड फिर हम एंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के इसके अंदर रैंडम नंबर ले लेते हैं। और इसी का एक जगह पे और यहाँ हम लिखते हैं, टाइप करते हैं। अब दो दो जगह पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास डेटा है। अब एक हमारा क्या है, ये हमारा सेल्स है, ये हमारा टारगेट। तो हर पर्सन के हर प्रोडक्ट का टारगेट अलग अलग है। जैसे पूजा को प्रोडक्ट 1 का 27 टारगेट दिया गया था, इन्होंने 30 सेल किया है। इसको 47 टारगेट दिया गया था, 64 सेल किया है। इसको 44 दिया गया था, 68 सेल किया। इसको 28 दिया गया, 77 सेल किया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जिसको मेल करना चाहते हैं, ये डेटा इसको भेजना चाहते हैं, उसने बोला कि मुझे इसके कितने फिगर्स हुए हैं, वो फिगर से कोई मतलब नहीं है। अब 30 हो या 300 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे यहाँ पे परसेंटेज शो करना चाहिए कि इसने अपना टारगेट कितना अचीव किया है। समझे सर? ओके। कि उसने अपना टारगेट अचीव कितना किया है, मुझे इसका परसेंटेज चाहिए, ना कि कितना कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे 1 by 1 सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। कि भाई यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे 27 डिवाइड बाय 30, समझे? नहीं नहीं गलत कर दिया हमने, 30 डिवाइड बाय 27, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल ये 64 है, 64 डिवाइड बाय 47। तो इस तरह से 1 by 1 करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, और इसी के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, और फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम कर देते हैं डिवाइड। तो क्या होगा कि 30 को 27 डिवाइड करेगा, 60 को 47 करेगा, 78 को 44 करेगा, और 77 को 28 करेगा, और सेम सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ आता जाएगा। एंड जैसे हमने ओके किया, और आप देखिए आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल। आप लोगों को समझ में आया? राजेश जी और बाकी गुरदीप जी, आप लोग भी क्लास में हैं, आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम कर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया, मान लीजिए ऐसा कोई और फॉर्मूला है, मतलब कि मेरा जो डेटा है, क्या हो गया, रैंड बिटवीन का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब जो मेरा डेटा है ना सर, वो डेटा नहीं है फॉर्मूला, और मुझे अपने फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है कि वी लुकअप लगा हो, या मैच लगा हो, या ऑफसेट लगा हो, या और भी फॉर्मूले लगा हो इस पे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉर्मूला रिप्लेस हो, बस फॉर्मूले के अंदर इसके जो टारगेट्स है उससे डिवाइड हो जाए कुछ इस तरह से कि डिवाइड बाय 27। तो ये चीज भी आपका पेस्ट स्पेशन में ऑपरेशन करता है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशन, और हमने यहाँ पे ऑपरेशन में जाके डिवाइड को क्लिक किया, तो आप यहाँ देखिए ऊपर फॉर्मूला। अब इसे आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ नंबर्स है। अब उस नंबर्स को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए अपनी टीम को दिया। हमारे पास कुछ नंबर्स है और उस नंबर्स को हमने क्रॉस चेक करने के लिए अपनी टीम को दिया, क्यूसी टीम को दिया। अब क्यूसी टीम ने क्या किया, उस नंबर को चेक किया, और चेक करने के बाद कुछ एरर्स उसको मिले, तो उसने इस एरर्स को इसके सामने लिख दिया कि यहाँ पे 67 नहीं, यहाँ पे 32 नहीं है, इसमें 58 है, इसमें 70 है, इस तरह से। अब प्रॉब्लम है कि हमें इनको अपडेट करना है, मतलब कि जिसके सामने ब्लैंक है दिस नंबर आर करेक्ट, जिसके सामने सिर्फ नंबर डला हुआ है बस उसी को रिप्लेस करना है, कुछ इस तरह से वन बाय वन करना है। तो इस तरह से वन बाय वन आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम काफी बढ़ सकता है, क्योंकि डेटा आपका अगर हजारों में है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कॉपी करते हैं डेटा को, और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ कर देते हैं स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक को लिए ओके कर दिया, तो देखिए जिसके सामने ब्लैंक था वो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और जिसके सामने वैल्यू थी उसी को कॉपी पेस्ट किया है सर। इसका यूज हम आगे चल के बहुत करते हैं ऑफिस में, जब आपके पास इस तरह के काम आते हैं तो जिसके पास जिसको ये चीज़ें पता नहीं होती है वो इफ फॉर्मूला, फिल्टर और बहुत सारी चीज़ें वो अपनाते हैं, क्योंकि यार सिंपल आपके सामने है। उसके बाद एक ट्रांसपोज, तो आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देता है, इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार दोबारा वही कीजिए सर, ऑपरेशन जो अभी किया था ब्लैंक वाला। सब कुछ नहीं करना है आपको, एरिया को सेलेक्ट करके कॉपी करना है, और इसके जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए पेस्ट स्पेशल, और यहाँ स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए लिंक। जैसे कि आपके सामने डेटा है, आप चाहते हैं कि सेम डेटा कहीं और किसी और सीट पे, या इसी सीट पे, या किसी और फाइल पे दिखे, तो जनरल लोग क्या करता है, इक्वल प्रेस करता है, इक्वल प्रेस करके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं, आ जाता है। फिर मुझे इसको अपने हिसाब से आगे पीछे ड्रैग करना पड़ता है कुछ इस तरह से, राइट सर। हाँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है कि मुझे अपने हिसाब से लेना है, कुछ लेना है कुछ छोड़ना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे P2 को ना लूँ, PP1 एंड P4 को लूँ मैं सिर्फ, और नेम को लूँ, तो उस केस में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, फिर हम अपने कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉपी, और कहीं भी जहाँ भी इसी सीट पे, अनदर सीट पे, अनदर फाइल पे, जहाँ भी करना है वहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे आपको दिखेगा पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है। ओके पेस्ट एज ए लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे आपको
गया सर, और लिंक हो गया इससे। अगर मान लीजिए 27 को मैं अगर 72 करके एंटर मारूं तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, राइट सर। ओके अब इसको थोड़ा सा मैं ऑटो फिट करके थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूं। अब कभी कभी क्या होती है, हमें जरूरत पड़ती है इसकी पिक्चर्स की, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा डेटा है। अब मुझे एक छोटे से एरिया में इसको फिट करना है अपने डैशबोर्ड पे, तो ये पूरा का पूरा डेटा तो फिट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने देखा है कॉलम की साइज हम जो कम किए हैं, तो ये पूरा कॉलम साइज हुआ, हो सकता है नीचे बड़ा डेटा हो तो दिक्कत हो जाएगी सर। सो हर बार हम कॉलम की साइज छोटा करके डेटा को छोटा नहीं कर सकते। अब मुझे इस पूरे इतने से एरिया में पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं, पेस्ट एज ए पिक्चर। अब पिक्चर हो जाने के बाद इसको अपने हिसाब से जो है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहिए हम उसी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे लेकिन प्रॉब्लम है, जब आपकी डेटा चेंज होगी तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं कि अब हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें, तो हर बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करें जो डेटा के साथ लिंक हो जाए। तो डेटा के साथ लिंक करने के लिए आपको यहां पे क्या करना होगा, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। क्या करना होगा, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक हमने कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि ये हमारा पिक्चर से लिंक हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए ओम है और 75 है, या कोई कलर ही चेंज किया आपने, तो फॉर्मेटिंग भी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 200 करके एंटर मार दिया, तो यहाँ देखिए 200 एट ए टाइम आपका चेंज हो जाएगा। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे देव था, तो मैंने यहाँ पे कुछ और एक नाम ऐड कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिए योगी, अब मुझे इसको इसमें क्या करना है, दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेल से लिंक करते हैं, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो पिक्चर लिंक हो या अदर हो, वो लिंक जो होता है वो किसी न किसी फॉर्मूले के थ्रू होता है। यहां देखिए आपके सामने फॉर्मूला है A1 से E12, राइट। अब इस 12 को मैंने चेंज करके 13 करके एंटर मार दिया, तो आपको यहां देखिए 13 आ गया, राइट सर। करेक्ट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसको, जैसे आपके पास एमएस वर्ड है, आपके पास पावर पॉइंट है, आउटलुक है, तो आप अगर मान लीजिए एक्सेल फाइल से बराबर डेटा उठाते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ आना है, और यहीं पे आपको कर देना है पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए ये आपका। अब एक्सेल फाइल में कुछ भी चेंज होगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मोहन की कलर को चेंज कर देता, कर दिए, यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया। सेम ऐसे आपका जो है एमएस वर्ड पे, सेम इसी तरह से आप आपका जो आउटलुक होगा आउटलुक पे, इसी तरीके से आप अपना इस पे कर सकते हैं, ठीक है। आप आउटलुक यूज करते हैं अगर आके जी? हाँ मैं आउटलुक यूज करता हूँ। तो आउटलुक में, आउटलुक में कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि आउटलुक में कैसे आएंगे? आउटलुक में हम कैसे करेंगे? अभी एक आपका आउटलुक ओपन होने दीजिए, फिर बताते हैं। सर ये बीच में आपकी आवाज चली गई थी, एमएस वर्ड में जो पेस्ट किया तो कैसे पेस्ट किया? एमएस वर्ड में पेस्ट करें या पावर पॉइंट में पेस्ट करने का सिंपल तरीका है, पेस्ट के नीचे आपको पेस्ट स्पेशल दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ओके ओके, उस पे जाया करना है, इसलिए मैं कॉपी करना पड़ेगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से पेस्ट स्पेशल,
और यहाँ पेस्ट लिंक एक्सेल एंड ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट एक्सेल, ओके क्लियर ठीक है, क्लियर सर? है। उसमें एक चीज और पूछनी है, वो अगर एक्सेल हम अगर बंद कर देते हैं तो इसमें तो चेंज नहीं होगा ना, ओपन रखना पड़ेगा ना जो नहीं बेस डाटा एक्सेल, फाइल है। देखिए आप जैसे एक्सेल आप कुछ भी चेंज करने के लिए एक्सेल तो खोलेंगे ही ना, करेक्ट, नहीं वैसा खोले खोलेंगे तो फिर एक्टिव हो जाएगा एक्टिव राइट। हो जाएगा वो, बंद है तो आपका डेटा अपडेट ही है ना सर, अच्छा ठीक है, बंद है तो डेटा अपडेट ही है, जैसे ही आपने उसको चेंज किया वैसे हो जाएगा आपका। अब किसी को अगर फाइल देनी है तो दोनों फाइल देनी पड़ेगी राइट। नहीं हाँ दोनों फाइल की बात नहीं है, क्योंकि दोनों फाइल पर वर्क नहीं करेगा सर, ये आपका यहाँ अलग चीज़ है, ये वो अलग चीज़ है, इसका यूज नहीं समझ रहे आप क्या होता है। जैसे कि आप मेरे पास मान लीजिए कि एक ऑफर लेटर है, राइट, ऑफर लेटर का डिजाइन सब कुछ बना हुआ है, फॉर्मेट सब कुछ बना हुआ है, बस उसमें जो है जो ऑफर की जो सैलरी की जो कैलकुलेशन है उसका एक टेबल है, तो मुझे ओके सिर्फ नाम चेंज करना होता है और वो सैलरी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ती है, बाकी मेथड तो सेम ही होता है ना, करेक्ट, तो हर बार मुझे अगर वर्ड पे ही करना हो तो हर बार मुझे एक्सेल से लेके पेस्ट करना पड़ता है, हाँ तो उस केस में हमने क्या किया एक्सेल के एरिया को हमने इसे पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, अब मुझे सिर्फ एक्सेल पे चेंज कर देना है, मेरा वर्ड फाइल को चेंज हो जाएगा, बस प्रिंट आउट देना है, राइट राइट राइट, समझ ऐसे में आ गया। ऐसे ऑफर लेटर वगैरह। इसका आउटलुक में क्या यूज करते हैं बताते हैं आप लोग। अब मेरे पास एक मान लीजिए जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं मुझे हर घंटे मेल करनी होती है, हर घंटे मेल करनी होती है, अब रिपोर्ट मान लीजिए पिवट टेबल के थ्रू या किसी फॉर्मूले के थ्रू मेरे डेटाबेस से लिंक है, मेरा डेटाबेस चेंज होता है तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं यहाँ भी मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और मुझे इसको कॉपी करके मेल वर्डी में पेस्ट करके भेज देना होता है, तो मुझे जब हर घंटे भेजना है तो मुझे बार बार मेल को कंपोज या फॉरवर्ड या रिप्लाई करके फिर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा ना सर, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि न्यू मेल पे क्लिक किया, पहले हमारा न्यू मेल आ गया, हम यहाँ पे 2cc जो डालना होता है हमने डाल दिया, जैसे मैंने IPT इंडिया अपना ही मेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे cc डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए सेल्स अपडेट, और जो भी डालना है सब कुछ डाल दीजिए, डियर ऑल जो भी लिखना है, डियर सर मैम, वो पूरा अपना मेल का प्रोफॉर्मा तैयार कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं एक्सेल वाले पार्ट का जो हमारा लेना है डेटा उसको हमने कॉपी किया, और यहाँ भी आपको पेस्ट के साइड में पेस्ट का बटन दिख रहा है ना सर, हाँ साइड में आपको पेस्ट स्पेशल दिखेगा, तो पेस्ट स्पेशल और पिक्चर लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद ओके थैंक रिगार्ड जो करना है वो हमने कर दिया यहाँ पे। अब मैं इस फाइल को सेंड पे क्लिक नहीं करूंगा, पहले इसको सेव करूंगा, सेव एज, और यहाँ फॉर्मेट के जगह पे मैं आउटलुक टेम्पलेट लूंगा, ओके आउटलुक टेम्पलेट लेने के बाद अपने लोकेशन पे जहां चेंज करना वहां हमने इसको सेव कर दिया, सेव करके ओके मैं यहाँ भी फिलहाल सेंड कर दूँ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने एक्सेल को चेंज किया, अब मुझे इस मेल को भेजना है, तो देखिए यहाँ पे सेल्स अपडेट का एक मेल का टेम्पलेट दिख रहा है, ठीक है। मुझे इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, मेरा मेल कंपोज किया हुआ, मेल आईडी डाला हुआ, सेल्स पूरा कुछ डाला हुआ, साथ में एक्सेल की फाइल की जो डेटा है विथ अपडेट मेरे पास अपीयर हो जाएगा, अब मुझे करना क्या है जस्ट सेंड पे क्लिक करना है, समझ गए? समझ गया। तो ये आउटलुक में भी इसका यूज हम इसी तरह से करते हैं, ओके? ओके चलिए अब अगला पार्ट इसी में आता है पिक्चर लुकअप का, लेकिन पिक्चर लुकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको सेंड पे नहीं कराएंगे, इससे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग लेके देख लेंगे, तो अभी मैं व्हाट्सएप पे आपका जो है एक वीडियोस आपको भेज रहा हूँ पिक्चर लुकअप का, बैठ के इसको ओके देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आराम से देखिएगा और फिर हम इसको कल की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत कम लोगों को समझ में आता है अभी, क्योंकि ये पिक्चर इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह भी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है,
न तो ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन पिक्चर्स पेज से जो पिक्चर लिंक से कनेक्टेड है, इसलिए हम आपको इस अभी क्लासेस में समझा बताते हैं, ठीक है ठीक है। तो वो वीडियोज हमने आपको फॉरवर्ड कर दी है पिक्चर ठीक वाला की, अब इसको बैठ कर आराम से देखिए और मुझे कल की क्लास में बात करते हैं। ठीक है ओके 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 बाय। बाय।